पी थ्रेड वाला, थ्रेड मैनेजमेंट का वो भी हो गया। देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वो मैम ने बोला था कि खुद से मतलब प्रोग्राम कर लेना, क्लास में हो गया है ना एल्गोरिथम इसलिए। ओके, और बैंकर्स, हाँ तो इसमें किसी को डाउट है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के सम्स में या ऐसा कुछ, किसी को डाउट है कोई लॉजिक में कैसे सॉल्व होता है? बैंकर्स एल्गोरिथम नीचे के सारे हो गए, बैंकर्स एल्गोरिथम देन। यस मैम, शायद सेमाफोर वाला ही बाकी है, बाकी सब हो चुके हैं, 9th और 11th शायद। ओके, आईपीसी एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर के साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ काउंटिंग सेमाफोर एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यस, 11th में आप लोगों को प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सीमाफोर, मीनिंग ऑफ सीमाफोर, व्हाई वी आर यूजिंग दैट सीमाफोर? मैं आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकती हूँ, यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम फ्रॉम दैट। क्या है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? बेसिक पी थ्रेड लाइब्रेरी के साथ आपको बेसिक सीमाफोर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया होगा शायद मैडम ने। पी थ्रेड लाइब्रेरी वाला जो प्रोग्राम था ना, उसमें ही था सीमाफोर का कंसेप्ट, राइट? नाउ यू हैव टू यूज अकाउंटिंग सीमाफोर एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू अचीव अ सिंक्रोनाइजेशन, राइट? शुड आई रिपीट द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? पता है आप लोगों को? Ma'am, can you repeat once? What is the use of semaphore? Why we are using the semaphore? और ये producer consumer problem क्या है? क्यों आया? Conceptually. फिर program आप करोगे. Can anyone give me the definition of semaphore? Can anyone give the definition? What is the meaning of semaphore? Kya hai semaphore? Alien? Kis chapter mein aata hai semaphore? You are muted. कौन से चैप्टर में आता है? तो मैं अजम्पशन करती हूँ आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को डिस्कशन नहीं करना है देन यू आर फ्री टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, मुझे इम्प्लीमेंट करके दो। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू बट आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड, देन एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स। सीमाफोर आर द इंटीजर वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग टू एटॉमिक ऑपरेशन। विच टू ऑपरेशंस? दैट इज अ वेट एंड सिग्नल। वेट एंड सिग्नल, ये दो सिग्नल हम लोग सीमाफोर में यूज करते हैं। I think these two signals are used in monitor, not in semaphore. We can perform two different operations, that is correct. Two different atomic operations we can perform, but that two operations are up and down operations, right? We can perform increment as well as decrement operation on the variable which we are going to define as a semaphore data type variable. Semaphore is basically a variable which is used to introduce to solve a producer consumer problem. आगे क्या था जो हमने producer consumer problem बताया था, उसमें हमारा जो signal मिल रहा था वो loss हो जाता, right? Previous हम लोगों का जो producer consumer problem हम लोगों ने जो बनाया था
इन दैट प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम लोगों ने सिग्नल भेजा था प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास कि तू वेकअप हो जा, राइट? यहाँ पे एक वेकअप सिग्नल भेजता था या तो एक स्लीप का सिग्नल भेजता था, राइट? बट इन केस अगर ये मेरा जो सिग्नल है वो लॉस हो गया और सामने रिसीव नहीं हुआ, एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म कि वो सिग्नल मुझे मिला या नहीं. सो फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सिग्नल्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन वेरिएबल नोन एज अ सीमाफोर वेरिएबल. एंड यूजिंग सीमाफोर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विथ थ्री टाइप्स ऑफ सीमाफोर वेरिएबल. वन इज अ फुल, then another one is a empty, and another one is a mutex. We have a three different semaphore variable in a producer consumer problem. What is the use of mutex? Kya hai mutex? Mutex is used for achieving a mutual exclusion. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? मुझे दो प्रोसेस को, दो थ्रेड्स को एक क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं देना है, दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, देन आई हैव टू वेट आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन. तो ये हमारा काम करेगा म्यूटेक्स. म्यूटेक्स विल गिव मी द परमिशन कि मैं क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं, राइट? And in that we have a two different values for the mutex. We have a zero value and one value, right? So if my mutex indicating one, that means I can access a critical section. I can enter into the critical section. That is the meaning of value equals to one. And if my mutex indicating a value zero, that means I can't access that region. Already koi aur process access kar rahi hai. So initially हम इसको कैसे देख सकते हैं? Basically my critical section is always empty. So in that case my mutex is indicating a value one. So any process can enter into the region. And that's the reason अगर कोई process P1 आई, वो check करेगी कि मैं critical section में जा सकती हूँ या नहीं. In that case P1 को answer मिलेगा one. That means I can enter into the region. And as we are allowing any process to enter into the region, we are changing the value of mutex at the same time. So, hum logo ko conflict na ho. Main dusri koi process ko andar na jaane do. And if after 2 or 3 seconds P2 process aati hai, again it will check the value of mutex. It will indicating a zero. That means already one process is there, already some process is inside the critical section. So I'm not going to allow P2 process for entering into the region. In that way, it is going to achieve a synchronization, right? That is the aim of inter-process communication. Ki hum logo ko consistency manage karke rakhni hai. So aisa kuch aap logo ko karke mujhe dena. Aur ye full aur empty do variable hai mere buffer ke liye. We have a buffer. In that I am indicating number of full slots and number of empty slots in the buffer. So ye mujhe wo display karta hai. Still if you have any problem in producer consumer problem I can explain you, but aap logo ke doubt mujhe batao, right? Aapko thread ke sath ye cheez implement karne ki zarurat hogi, fine? तो ये काउंटिंग सीमाफोर ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग सीमाफोर? यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग काउंटिंग सीमाफोर एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूजिंग म्यूटेक्स. तो मैंने म्यूटेक्स आपको दिखाया एंड म्यूटेक्स इज कंसिडर एज अ बाइनरी सीमाफोर जस्ट बिकॉज म्यूटेक्स हैव ओनली टू डिफरेंट वैल्यूज 0 and 1. बट वी हैव टू डिफरेंट अनदर वेरिएबल्स दैट इज अ फुल एंड एम्प्टी विच कैन वेरी फ्रॉम 0 to n. दैट मीन्स जीरो नंबर ऑफ स्लॉट्स टू मैक्सिमम एन नंबर ऑफ स्लॉट्स. मेरे एन स्लॉट्स खाली हो सकते हैं या एन स्लॉट्स फिल हो सकते हैं. इन दैट वे वी हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द सीमाफोर. सो वी कैन कंसिडर दिस टू एज अ काउंटिंग सीमाफोर. सो वी आर ट्राइंग टू अचीव अ सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर, राइट?
सो ये आप लोगों को परफॉर्म करना है. फाइन, कोई डाउट? इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो फिर. स्टिल अभी भी किसी को प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में अल्गोरिदम में कोई डाउट है तो पूछ लो, तो आप वो चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओ. व्हाई दे आर राइटिंग अप ऑपरेशन, डाउन ऑपरेशन, कैसे उसको समझते हैं. ओके फाइन, स्टार्ट करो इम्प्लीमेंटेशन. हेलो मैम, हेलो मैम,
You can leave the meeting. Thank you.